बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस 7th क्लास। आज के लेक्चर के अंदर बेटा जी हम अपने सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड बेसिकली बेटा जी कंप्यूटर का एक मेन बोर्ड होता है, ठीक है, जिसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है कि बेटा जी एक सिलिकॉन का बना हुआ होता है। सिलिकॉन बेटा जी एक धात होती है, ठीक है, उस धात का जो है ये मदरबोर्ड बना हुआ होता है। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के साथ जो है वो कुछ कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ होती हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके सिस्टम यूनिट में मौजूद होते हैं बेटा जी। एक्चुअली सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड वो एक मेन बोर्ड होता है जो कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को अपने ऊपर अटैच करता है और सिस्टम यूनिट जिसकी मदद से काम करने के काबिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिफेरल पोर्ट्स, ठीक है जी, यानी कि आप अगर कीबोर्ड अटैच करना चाहते हैं, आप माउस अटैच करना चाहते हैं, आप कोई प्रिंटर अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई भी ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ अटैच होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू स्लॉट, आपका जो प्रोसेसर है बेटा जी वो यहाँ पर आकर जो है वो सीपीयू के अंदर प्लेस होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रैम स्लॉट, ठीक है जी, आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है बेटा जी वो यहाँ पर आकर प्लेस होगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जी आपके मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, ये बेटा एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से मुराद ये है कि अगर आप अपनी किताब पर देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि बेटा इसके ऊपर ना ड्रॉ हुआ है, लाइंस ड्रॉ हुई हैं, जैसे नक्शा होता है ना, मैप बना होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मैप बनाया हुआ होता है। ठीक है, और उस मैप में जिस जगह पर जो जो चीज़ आनी होती है ना उसको वहाँ वहाँ पर उस चीज़ को प्लेस करके जो है वो लगा देते हैं। जैसे मैं घर का नक्शा बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कॉरिडोर आएगा तो वहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, मैं यहाँ पर कहूँगा बेडरूम आएगा तो बेडरूम आएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं कहूँगा वॉशरूम आएगा तो वहाँ पर वॉशरूम बनाया जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा जी इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है जी, और ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें बेटा जी मेजर जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जैसे प्रोसेसर है, जैसे मेमोरी है, वो सारे के सारे बेटा जी इसके ऊपर फिक्स हुए होते हैं। अब बेटा जी हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, सो नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ मदर बोर्ड, सबसे पहले बताता है पेरिफेरल पोर्ट्स। बेटा मैंने आपको बताया था पेरिफेरल पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स को कहा जाता है कि जिसके अंदर आप पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या मुराद है? कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है, जैसे कि माउस अटैच कर लिया, कीबोर्ड अटैच कर लिया, तो आप पेरिफेरल पोर्ट्स लगाएंगे। उसके बाद बेटा जी सीपीयू चिप होती है। ठीक है बेटा, सीपीयू चिप ये सीपीयू स्लॉट के अंदर आती है। ठीक है, सीपीयू चिप के अंदर बेटा जी आपका प्रोसेसर लगता है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोसेसर वो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है, ठीक है, कि जिसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो उसने करवानी होती है। ठीक है जी, सो कहता है कि जी दिस चिप इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, सो ये जल्दी हीट अप हो जाता है तो यहाँ पर बेटा जी एक फ़ैन भी लगाया जाता है, छोटा सा पंखा होता है जो इसकी हीट को कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटा जी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर जो है वो आपको सिस्टम यूनिट दिखाया गया है पहले पिक्चर के अंदर। उसके बाद बेटा जी आपको एक सेल फोन का जो है वो एक सिस्टम दिखाया गया कि सेल फोन का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये बेटा जी लैपटॉप का दिखाया गया है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो आपको केसिंग है ये आपको यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट है बेटा जी रैम स्लॉट। रैम स्लॉट के अंदर बेटा जी रैम लगाते हैं। रैम जो है वो उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो रैम नज़र आ जाएगी, ये रैम है बेटा। ठीक है जी, सो रैम स्लॉट के अंदर बेटा जी रैम लगाते हैं जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर बेटा जी हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट में हम एक्सपेंशन कार्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड से क्या मुराद होती है? मिसाल के तौर पर आप साउंड कार्ड लगाना चाहते हैं, आप कोई मॉडेम लगाना चाहते हैं, आप वीडियो कार्ड लगाना चाहते हैं, आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना चाहते हैं, आप टीवी ट्यूनर कार्ड लगाना चाहते हैं, एमपीजी डिकॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये सारे वो बेटा जी एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं जिसको एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाया जा सकता है। उस पर बेटा जी फ्लॉपी कंट्रोलर होती है।
फ्लॉपी कंट्रोलर का काम जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क को जो है वो रीडिंग करना या फिर उसकी राइटिंग करना होता है। नेक्स्ट है बेटा जी IDE कंट्रोलर। IDE कंट्रोलर बेटा बेसिकली एक डिवाइस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बेटा जी होती हैं डिस्क ड्राइव, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई है, ठीक है। तो ये जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं ना, इन डिस्क ड्राइव्स का आपके जो CPU है ना उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए IDE कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। यानी ये क्या करता है कि डिस्क ड्राइव में जो डेटा है उस डेटा को CPU तक पहुंचाना या CPU से डेटा वहां तक जाना, उसके लिए जो कम्युनिकेशन होती है ना, इन दोनों का आपस में रابطہ होता है ना, उस रابطے के अंदर IDE कंट्रोलर अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है बेटा जी CMOS बैटरी, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। ये चिप क्या करती है, ये चिप बेटा जी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को अपने अंदर स्टोर करती है, चाहे कंप्यूटर ऑफ है चाहे ऑन है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने जो है वो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच कर दिया, तो जैसे कीबोर्ड अटैच करूँगा ना तो इसका काम ही होता है कि इसके अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए उस कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ सक्सेसफुली अटैच करना है, ठीक है जी। कॉन्फ़िगर करना मतलब अटैच करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी CPU स्लॉट होती है, ठीक है। CPU स्लॉट के अंदर बेटा जी जैसे बताया गया है कि CPU स्लॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द CPU सॉकेट, ठीक है जी। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है, किसके दरमियान, माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के दौरान, ठीक है जी। बेटा जी पीछे हमने यहाँ पर देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखें ज़रा, ये हमने देखा था एक CPU स्लॉट ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ठीक है जी। सो इसी तरह से बेटा जी आप कह सकते हैं कि CPU स्लॉट जो होती है वो एक कनेक्शन क्रिएट करती है, यानी कि उसके ऊपर आप माइक्रो प्रोसेसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ पावर सप्लाई प्लग इन। पावर सप्लाई प्लग इन से मुराद ये होती है कि बेटा जी कंप्यूटर के अंदर एक पावर सप्लाई होती है। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर पावर केबल लगाते हैं तो पावर सप्लाई का काम ये होता है कि उसने सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है, पावर प्रोवाइड करनी होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा जी वो पावर सप्लाई की मदद से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की तरफ से जाता है, ठीक है। इसका काम ये भी होता है कि आपका जो पावर होता है उसको कंट्रोल करना होता है, ताकि ये ना हो कि एकदम से लाइट ऑफ हो या जो है वो कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो कंप्यूटर जो है वो आपकी विंडोज़ वगैरह करप्ट हो जाए या कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, तो ये उसकी पावर को कंट्रोल करता है। उस पर बेटा जी कैश मेमोरी, जिसको बेटा जी कैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी इसको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये बेटा जी एक कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉल मेमोरी होती है और टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। ये डेटा को स्टोर करती है सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए अपने अंदर, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है जी। और कब डेटा स्टोर करती है, कि जब भी बेटा जी CPU के जो है वो CPU में कोई भी प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो प्रोसेसिंग के दौरान इसने क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी BIOS चिप हैं। BIOS चिप बेटा जी उसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, कि ये ख़ास किस्म की कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के वाले से, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर ना स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो उसको क्या करता है, वो BIOS चेक कर रहा होता है, दिखता है क्या कीबोर्ड सक्सेसफुली अटैच है, क्या माउस सक्सेसफुली अटैच है, क्या बाकी तमाम डिवाइसेस सक्सेसफुली अटैच हैं, क्या कंप्यूटर की विंडोज़ प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। तो इसने क्या करना होता है, बेसिक जो आपके इनपुट आउटपुट होते हैं ना उसको चेक करना होता है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर को स्विच ऑन कर देता है। अब बेटा जी हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो रही हैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो बेटा ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अबाउट द फॉलोइंग व्हाट यू लर्नड इन द यूनिट, CPU चिप, फ्लॉपी कंट्रोलर एंड CMOS बैटरी। तो बेटा जी ये तीनों अभी के जो है वो आप लोगों के सामने में अभी सारी के सारी डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सो बेटा जी ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस यूनिट के अंदर डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, यानी इस वीडियो लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।